चप्पल पहन के मत आना। तो देख रहे हैं यहाँ पे धान लगा है कितना बढ़िया, बस ये फूटने ही वाला है। अब उधर लगा है देखिए मड़ुआ है, रागी बोलते हैं, रागी ये है। तो देख रहे हैं दोस्तों हम आ गए हैं सनई के फूल तोड़ने। तो सनई का फूल कैसा होता है मैं आपको आज बताऊंगी भी। पीला पीला देख रहे हैं ये फूल है, ये इसका फल है, और इसका जो डंठल है ना डंठल, इसमें से निकलता है सुतली। तो इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसको पानी में भिगोया जाता है एक मंथ 15-20 दिन, एक मंथ से कम नहीं लगता है, 20 दिन से ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। इसको भिगा के रखते हैं पूरा पानी में, फिर इसको पीट पीट के इसमें से सोन निकलता है, सोन निकाल के फिर इसको काटा जाता है, मैं काटती हूँ। क्या होता है उससे? फिर रस्सी बनता है उसका, सुतली हाँ। तो ये वही है, बहुत ही फायदेमंद है ये फूल। बहुत से लोग बोले थे कि ये किस चीज़ का फूल आप बनाते हैं अनीता जी बताइएगा, तो आज मैं आप लोगों को बता दी। तो इस तरीके से ना इसको तोड़ा जाता है, इस तरीके सुरुका बोलते हैं इसको, सुरुकना, इस तरीके से सुरुक सुरुक के इकट्ठा कर लेंगे। ये पूरे में बहुत सारा पौधा है, मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। फूल को तोड़ने में समय लगता है, तो जैसे कि खाली समय में इसको सुरुका जाता है। बातचीत करते रहिए और तोड़ते रहिए। तो मैं शुरू कर लेती हूँ, और आपको ना ये शहर में भी मिल जाता है, कहीं भी मिले तो इसको ज़रूर खरीदिएगा। तो ये सनई का फूल है, ठीक है, कहीं भी मिले तो इसको आप ज़रूर खरीदिए। देख रहे मधुमक्खी किस तरीके से घुस के जूस पी रही है, बहुत ही फायदेमंद है ये फूल। और मधुमक्खियों को पता है कि कौन कौन सा चीज़ में विटामिन से कैसे देखो जूस ले रही है। ऐसे ही हम पूरे में घूम घूम के फूल तोड़ेंगे। ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये पक जाएगा तो बीज तैयार हो जाएगा, जैसे कि ये पक गया है देख रहे हैं। और इसको हम लगा देंगे तो इसका पौधा रेडी हो जाता है। तो थोड़ा सा तोड़ के मैं रख लेती हूँ, लगाऊंगी अब अगले साल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा सनई का फूल का सब्जी, जिससे सुतली बनता है। बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा कि सुतली किस चीज़ से बनता है, तो उसका एक फूल होता है, उसका सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फायदेमंद है। तो ये जो सनई का फूल है ना, बरसात के दिनों में मिलता है, जैसे कि अभी देखिए धान देख रहे कितना बढ़िया मजबूत धान है, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा होगा। बरसात रहता है ना तो ये मिलना स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मिलता है, ठीक है, उसके बाद नहीं मिलता है, 4-5 मंथ मिलता है। तो चलिए आज हम फूल तोड़ेंगे और आपको एक स्वादिष्ट सा हेल्दी रेसिपी दिखाते हैं अपने गांव के तरीके से। इतना अच्छा सुकून जैसा लगता है कि यहीं बैठे रहूँ। मतलब इंसान चाहे तो घंटों बैठ के इसको निहार सकते हैं, इतना अच्छा लगेगा आपको। ये आप लोगों के लिए दोस्तों, ये देखिए ये वाला फ्लावर इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत पूछिए मत। अपने लिए इतना ही फूल मिला है, और आपको दिखाती हूँ कि क्या करूँगी मैं। तो दोस्तों ये फूल है गुलाब का, गुलाब का नहीं, गुलाब का तो उधर है। तो दोस्तों देखिए सनई का फूल है, जीभ लड़खड़ा गया। ये दीदी के खेत में से ले आई हूँ, अब इसको देखना पड़ेगा कि इसमें कोई मधुमक्खी तो नहीं है। और उसके बाद इसको छाँट छाँट के एक प्लेट में रखेंगे। हमारी दीदी आ गई, वो किस लिए आई हैं मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से एक एक फूल को छाँट छाँट के रखेंगे। ज़्यादा फूल होता है ना तो सिर्फ फूल फूल का भी सब्ज़ी बनता है, और ज़्यादा नहीं रहता है
तो इसमें आलू दे के बरबट्टी दे के बनता है, इतना टेस्टी दोस्तों। इसका फूल का सब्जी खा लीजिएगा ना तो लाइफ टाइम तक इसको याद रखिएगा, इतना टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से देख देख के फूल को हम छांट लेंगे, एक भी कुछ भी कीड़ा मकोड़ा ना जाए। तो दोस्तों हमारे पास देखिए बरबट्टी तो इतना ही है, आ गई नी है, और दो आलू है, ठीक है देख लीजिए दो आलू। तो चलते हैं पहले खेत में, ये बीज भी लेके चलूंगी मैं। चलिए खेत में, आप भी चलिए। हाय का हो भाई, का फरल बा कौन ल हाय हाय ये भतुआ हो, हमरा ये ने एगो हे देबा। हां एकरा के वरिया से भीतर येवा डाल देता नहीं के ये गोरी ना डाले ये घरी रहे दो। हां ये घरी रहे देखो तो ये घर बबू नु तो सर के जाम के सर दे हाल तो लागत कि ये फॉर्म होइए ना नाइट हो नु लखटे ना। हां लेकिन ठीक बा, बन सकेला ऐसा बात नहीं, बाकी गाछ तार टूट जाई। तो ये हमारा पपीते का पेड़ है, इससे पपीते गायब हो गए हैं। तो वही दादा आए हैं तो दादा बता रहे थे उसको लेने के चक्कर में ये वाला पूरा बैरिकेड तोड़ दिया था, अभी इसको हमने फिक्स किया बहुत मुश्किल से और इसको बांध रहे हैं। कल परसों खोले तो देख रहे हैं खेत में जाने के बाद टाइम लग गया, बच्चे सब देखिए यहाँ खेल रहे हैं। तो दो आलू लिए हैं, एक गांठ हल्दी है, चार पांच मिर्चा है, दो गांठ लहसुन है, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच सरसों, एक चम्मच जीरा, इन सबको हम पीसेंगे। अदरक हो तो अदरक ले ले थोड़ा सा। सनई का फूल में ये ज़रूर मसाला डालें, इससे बहुत टेस्टी बनेगा। ये घर का हल्दी, हल्दी कैसे बनाते हैं इसका रेसिपी हमारे चैनल पर है। तो सरसों का तेल डाल लेते हैं कढ़ाई में, तेल गर्म हो गया है, आलू डालेंगे। तो आलू को ना हल्का सा फ्राई कर लिए हैं, अब निकाल लेते हैं। ये आधा से ज़्यादा आधा सीज गया है। दो चुटकी मेथी दाना हम इसी में डाल रहे हैं और दो सूखी लाल मिर्च। यहीं पे पीसा हुआ जो मसाला है वो डालेंगे। मसाला को ना अच्छा से भून लेंगे, एकदम इसका जो टेस्ट है ना इतना बढ़िया आएगा। उसके बाद ये जो फूल हम धो के रखे हैं बढ़िया से, ये फूल को डाल लेंगे, आलू भी डाल लेंगे, आलू भी डाल लिए हैं, फूल भी डाल लिए हैं मसाले के अंदर। अब इसको देखिए एक दो बार इस तरीके से चलाइएगा, फूल बिल्कुल सिकुड़ के कम हो जाएगा। अब यहीं पे हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, लेकिन ध्यान रखना है जो फूल है ना बिल्कुल गल के कम हो जाएगा।
तो यहाँ हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं और एक से दो मिनट फूल के साथ भून देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना कम सब्जी है कैसे इतने लोग खाएंगे, तो दोस्तों अभी हम लोग दो ही लोग हैं तो इसलिए दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। अब यहीं पे हाफ कप पानी डाल के इस सब्जी को ढक देंगे, मध्यम मध्यम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये सूखा सब्जी बनता है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, चिल्ला के साथ खाइए। तो मेरी भी जो कैमरा मैन ही है, कैमरा मैन तो नहीं है अभी, कैमरा मैन ही है, यानी कि गर्ल्स है, वो बोल रही है चिल्ला बनेगा इसके साथ, तो चिल्ला बनाऊंगी मैं भी। तो धीमी धीमी आंच पे हमारा सब्जी देखिए कितना बढ़िया पक गया है, आलू भी पक गया है, फूल तो बिल्कुल नरम है। तो इसको थोड़ा सा सौंधा होने के लिए हम चूल्हे पे ही रखते हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया पका है, खुशबू आ रहा है जबरदस्त। हमारे पास दोस्तों भुट्टा है, तो ये खेत का लास्ट भुट्टा है। इस बार हम लोगों को भुट्टा खाने को मिला ही नहीं, सब गिलहरी तोता खा गए है। देख रहे हैं दाने ताने पे लिखा है खाने वालों का नाम। फिलहाल एक दोस्त हमारी आई थी, वो भुट्टा खाई है, उनको बड़ी स्वाद आया। अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिएगा वीडियो में, दुनिया पे है वीडियो। आप आएंगे दोस्तों तो आपको भी भुट्टा मिल जाता, लेकिन अभी तो नहीं, अब अगले साल। तो ये भुट्टा आप लोगों के लिए हम भून रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। तो यहाँ पे भुट्टा बन गया, देख रहे हो इसमें दाने कम होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। अब देख रहे हैं ये कैमरा मैन का मुंह में पानी आ रहा है, तो ये दे देती हूँ। ऐसे दाने वाले खाना कभी भी, पूरे दाने वाले अच्छे नहीं होते। तो सब्जी इधर बन गया, उतार देते हैं, रख देते हैं तवा। और यहाँ पे देखिए आटा लिए हैं, ये चीनी है, आटा और चीनी। चीनी में ना पानी डाल दिए हैं, पानी डाल के इसको इस तरीके से घोल ले रहे हैं। बोलेंगे कि इस तरीके से क्यों घोल रहे हैं आप, तो इसमें चींटी आ गई थी, इसमें चींटी आ गई थी, तो मैं सोची कि पानी डाल के ऊपर ऊपर गिरा दूंगी तो चींटियाँ चली जाएगी, लेकिन चींटी नहीं है, भाग गई है, धूप में रख दी थी चीनी को। तो डाल लेते हैं, इस तरीके से करेंगे तो जल्दी चीनी घुल भी जाएगा। अब इसको हाथ से हम घोल ले रहे हैं और देख रहे हैं कितना सारा आटा दे दी है, बोल रही है मैं ज़्यादा खाऊंगी। इसका एक बहुत बड़ा स्टोरी है दोस्तों, कल भी खाना आप। नहीं मैं खा लूँ, इतना पसंद है, स्कूल टाइम से ही पसंद है मेरे को। इस चौथा बोलते हैं हमारे गांव में, इस चौथा का कहानी है। एक ठो आटा और चीनी सिर्फ डाल के घोल दे रही हूँ इस तरीके से, और देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो तीन मिनट इस तरीके से ना, दो तीन मिनट इस तरीके से इसको घोल लेने से बहुत ही अच्छा चौथा बनता है। देख रहे हैं कितना बढ़िया स्मूथ गिर रहा है। तो घी तेल कुछ भी डाल के, दो चम्मच जितना तेल डाल के, घी डाल के इसको आप बना सकते हैं। तवा को मतलब नॉर्मल गर्म चाहिए, ज़्यादा हीट भी नहीं चाहिए। अब देखिए पतला मोटा जैसा आपको बनाना हो बनाइए। तो हम लोग करछी से ही बनाते हैं इस तरीके से, और नहीं तो क्या करते हैं ये देखिए हाथ से इस तरीके से बना लेते हैं। ये पहला चौथा है, इसको मीठा चिल्ला भी बोलते हैं लोग, तो ये पहला चिल्ला है। तो इस तरीके से हम पलट देंगे, तो देख रहे हैं कितना बढ़िया हमारा चिल्ला बन के तैयार हो गया है। तो नरम बनाना है तो नरम बनाइए, क्रिस्पी बनाना है तो क्रिस्पी बनाइए। इस तरीके से हम चिल्ला सारा बनाते हैं। पानी के हाथ से इस तरीके से आराम से बनता है,
जैसे आप बिगनर हैं नए नए बना रहे हैं तो हाथ से ही बनाइएगा, हाथ जलेगा नहीं, लो फ्लेम कर लीजिएगा, करछी से कीजिएगा तो थोड़ा चिपकता है और हाथ से एकदम सही सलामत बन जाता है। चिल्ला तो बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गया है, अब गरम गरम चिल्ला और यहाँ पे सब्जी भी बन के तैयार हो गया है। ये सब्जी रोटी से, चिल्ला से, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, पूड़ी से भी बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों गरम गरम चिल्ला हो गया, और ये चिल्ला ना हमारे बच्चे बहुत पसंद करते थे बचपन में, जब स्कूल जाते थे ना तो रोज़ मैं सुबह सुबह फटाफट क्या करूँगी कि तीनों बच्चों के लिए दो दो चिल्ला, फटाफट छः चिल्ला बना दी, लंच के लिए रहता था, नमक दे के बना दूँगी तो चाय के साथ दूध के साथ डुबो के खा के चले जाएंगे। तो आप नमकीन मीठा दोनों चिल्ला बना सकते हैं, तो हमारे बच्चों का तो फेवरेट है। अभी देख रहे हैं जो वीडियो शूट कर रही है तो वो बोल रही है कि मैं अभी ना मैं 5 चिल्ला खाऊंगी इसको इतना पसंद है, और सुबह भी खाऊंगी तो ज़्यादा आटा दे दिए तो इतना में कम से कम 10-12 चिल्ला बनेगा। तो आप लोग भी आ जाइए चिल्ला और सनई का फूल का सब्जी खाने के लिए, इतना टेस्टी लगता है ये सब्जी ना कि पूछे मत। लेकिन इसको सूखा ही बनाइएगा, गीला मत बनाइएगा, अगर ये फूल मिल रहा है तो ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। तो आप लोगों को हम एक बार टेस्ट करवा देते हैं ये चिल्ला और सनई की फूल की सब्जी, ये लीजिए, ये टेस्ट करके कैमरा ले पास में, ये लीजिए दोस्तों, ये लीजिए, अब फिर बताइए। तो मैं टेस्ट करके आपको बता ही देती हूँ कि कैसा लग रहा है। चिल्ला तो मीठा है ही है और सब्जी एकदम चटपटी बनी है, एकदम मस्त मज़ा आ जा रहा है। चिल्ले को ना आप अचार के साथ भी बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही आसान लंच बॉक्स है। मतलब हम 2-3 दिन ना हमारे यहाँ हफ्ता में ये चिल्ला बनता था बच्चों के लंच बॉक्स में, बाकी दिन कुछ कुछ और उनका फेवरेट था। तो गेहूं का आटा है, गुड़ के साथ आप बनाइएगा बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ही हेल्दी होगा, टेस्टी भी होगा, और ये सब्जी तो पूछे मत, इतना टेस्टी है कि पूछे मत। एक बार जरूर बनाइएगा दोस्तों हमारे तरीके से। फिर मैं मिलती हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए यहाँ तक वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।